दोस्तों, आज की कहानी है बहू रानी डब्बे जैसा तो तुम्हारा ये घर है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मैं सोच रही हूँ अपना वजन थोड़ा कम कर लूँ। जब दूसरी वृद्ध महिलाओं को देखती हूँ तो मुझे लगता है उनसे तो मैं ठीक ही हूँ, फिर भी अपने लिए तो मुझे ही सोचना होगा। अपने बच्चों के शक्कर में ये बहू उस पटांग चीज़ें बनाकर खिलाती हैं और मेरा शरीर खराब होता जा रहा। वह तो अपने बारे में सोचती नहीं, मुझे ही अपने बारे में सोचना पड़ेगा। कमला जी फोन पर अपनी बेटी कुसुम से कहती है। कुसुम बोली, माँ अपने बारे में सोचना अच्छी बात है, पर यह कौन सा नया शौक आपने पाल लिया है? आपको वजन घटाना है तो घर के कुछ काम काज किया करो, उसी में वजन घट जाएगा। और जहाँ तक बात निया भाभी की है, जो आप कहती हैं वही बनाकर तो वह देती हैं, फिर भी आपको उससे शिकायत है। मुझे तो लगता है आप दूसरी टिपिकल सास की तरह होती जा रही है। चलिए, मुझे अभी बहुत काम है, बाद में आपसे बात करती हूँ। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। तभी उधर से निया की आवाज़ आई, मम्मी जी कहाँ है? मैं साय लेकर हर कमरे में घूम आई, फिर से साय ठंडी हो जाएगी तो आप कहेगी कि आपको ठंडी साय दे दी मम्मी जी। कमला जी बोली, अरे बहू क्यों गला फाड़ रही हो? डब्बे जैसा तो तुम्हारा ये घर है और इन्हीं तीन कमरों में मैं तुम्हें मिल नहीं रही हूँ, ठहर जाओ, आ रही हूँ। निया और कमला जी का रिश्ता आम सास बहू जैसा था, पर दोनों एक दूसरे में बदलाव तो साथी थी, पर वह दोनों कोशिश नहीं करती थी। कमला जी ने जैसे ही साय देखा बोली, बहू मैंने तुमसे कहा था कि मुझे ग्रीन टी दिया करो, ये दूध की साय शरीर के लिए अच्छी होती है। और हाँ, जब फल लाती हो तो मेरे लिए कीवी और एवोकाडो लाया करो, वह शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। इतना कहकर कमला जी साय की सुस्की लेने लगी और निहारसी से उन्हें देख रही थी। कमला जी के पति को गुजरे हुए कई साल हो गए, उनके गुजरने के बाद कमला जी का रुझान पोते पोती और भगवान की तरह बढ़ना सही है, पर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही थी। सुबह से शाम तक कमला जी फोन में लगी रहती थी, फिर शाम में नीचे जाकर सहेलियों के साथ गप्पे लड़ाती थी और एक दूसरे की बहुओं की शिकायत करती थी। एक रोज़ कमला जी सुबह सुबह हॉल में जाकर बैठी अपने बेटे मानव को बोली, ये इंस्टाग्राम क्या होता है? मानव आरसी से माँ की तरफ देखा और बोला, क्यों माँ क्या हुआ? कमला जी बोली, वह बहू पूरा दिन अपनी सहेलियों से उसकी बातें करती हैं तो मैं सोची मैं भी देखूँ ये इंस्टाग्राम और फेसबुक आखिर होता क्या है, शायद मेरे मनोरंजन के लायक वह कुछ मिल जाए। मानव बोला, माँ ये आपकी उम्र वालों के लिए नहीं है, आप तो पूजा पाठ में मन लगाओ और ऐसे भी दिन भर तो आप फोन में लगी रहती हैं, फिर शाम में सहेलियों के साथ घूमती हैं। फेसबुक चलाने के लिए आपको समय कहाँ मिलेगा? कमला जी बोली, क्यों खाना खाने के बाद जब तुम अपने कमरे में चले जाते हो और बच्चे अपने कमरे में चले जाते तो मैं अकेली सुबह सा फोन में वही घिसी पीटी पुरानी चीज़ों को देखती हूँ। माना बोला, माँ वो सब नए ज़माने की चीज़ें हैं और उसके लिए फिर से आपको दूसरा फोन ला कर देना पड़ेगा, आपकी उम्र ये सब करनी नहीं है। आप समझती क्यों नहीं? कमला जी तपाक से बोली, उम्र को गोली मारो और मेरी उम्र का इस फेसबुक से क्या लेना देना? तुम्हारी बीवी करे तो अच्छा और माँ करे तो गलत, मैंने तो तुम्हें कभी किसी चीज के लिए नहीं टोका और तुम मुझे फेसबुक चलाने के लिए रोक रहे हो। मानव हैरानी से कमला जी को देखा और बोला, माँ आप तो ऐसी नहीं थी, आपको हो
किया गया है। मैं देख रहा हूँ पिछले 3 महीने से आप में बहुत बदलाव आया है। ठीक है, आपको जो ठीक लगता है वह करो। इतना कहकर मानव चला गया। अगले दिन नेहा बच्चों को पढ़ा रही थी, तभी कमला जी आकर बोली, बहू मेरी एक अच्छी सी फोटो खींच दो। नेहा अवाक होकर उन्हें देखने लगी और बोली, क्या हुआ मम्मी जी, एकाएक आपको फोटो खींचने की क्या सूझी? कमला जी बोली, बहू तुम बहुत सवाल करती हो, सास मैं हूँ कि तुम इतने सवाल तो मैं भी तुमसे नहीं पूछती जिसने तुम पूछती हो। अरे फोटो तो इसलिए खींचने कह रही हो कि व्हाट्सएप पर अपनी डीपी सेंड करूँगी उनके। इतना कहते ही बच्चे हंसने लगे। निया मुस्कुराई और धीरे से बोली, हाँ हाँ लाइए खींच देती हूँ, पर मम्मी जी आप ऐसी बातें बच्चों के सामने करेगी तो बच्चे क्या सीखेंगे? कमला जी बोली, तुम्हें क्या लगता है इन्हें व्हाट्सएप और फेसबुक के बारे में नहीं पता? अरे छोड़ो, सब जानते होंगे, अपने माँ बाप को दिन रात फोन चलाते देखते हैं तो क्या इन्हें नहीं पता होगा? क्यों बबलू, अरे मम्मी पापा तुम्हारे नए जमाने के तो दादी भी नए जमाने की हो जाएगी उनकी। इतना कहते ही बच्चे हाथों से अपना मुंह ढककर हंसने लगे और कमला जी वहाँ से चली गई। शाम में जब मानव घर आए तो कमला जी फोन में लगी हुई थी। वह कमरे में चला गया और नेहा से बोला, ये माँ को क्या हुआ है, पूरा दिन फोन में लगी रहती है और ऐसे मुझसे कहती है कि मैं उनसे बात नहीं करता हूँ, उनके पास बैठता नहीं हूँ, ऐसे तो हर वक्त शिकायत करती है। देखो दफ्तर से लौट कर आया, मेरी तरफ उन्हें देखा भी नहीं। नेहा मुस्कुरा कर बोली, नया नया शौक है करने दीजिए, जब उनको उसमें खुशी मिलती है तो क्या दिक्कत है, और अच्छा तो है वो फोन में व्यस्त रहती है, कम से कम मुझसे झगड़ती तो नहीं है, वरना कुछ ना कुछ उनको शिकायत मुझसे लगी ही रहती थी। इस उम्र में अगर वो अपना ध्यान रख रही है और अकेले ही व्यस्त है तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहूँगी इस बदलाव को आप भी जितनी जल्दी अपना लो और अपनी सोच बदल लो तो अच्छा रहेगा। इतना कहकर नेहा मानव के लिए साई बनाने चली गई। नेहा ने जब मानव को साई दी और कमला जी को ग्रीन टी दी तो मानव देखकर मुस्कुरा रहा था। कमला जी बोली, मुस्कुरा क्यों रही हो, मैं तो कहती हूँ तुम भी साई कॉफी की आदत छोड़ दो और अपना ख्याल रखो। बेचारी बहू अकेले क्या क्या करेगी और कितने का ध्यान रखेगी? अगर हम सब अपना ध्यान रखे तो घर की औरतों को आगे चलकर परेशानी ना हो। इतना कहकर कमला जी सही पीने लगी। अगले दिन सुबह 6 बजे निया तो फूलों को पानी दे रही थी। कमला जी मानव के पास गई और बोली, चलो उठो मेरे साथ टहलने चलो। मानव बोला, क्या माँ मैं थका हूँ, मुझे सोने दीजिए, फिर ऑफिस भी जाना है। कमला जी बोली, ये तुम्हारी थका नहीं तुम्हारा आलस है, बहू ने सबकी आदत खराब करके रखती है, अब बाप भी ऐसा आलसी हो गया तो बच्चे कैसे होंगे। कमला जी ने जबरदस्ती मानव को उठाया और अपने साथ नीचे टहलने ले गई है। देख कर निया मुस्कुरा रही थी। नीचे पार्क में कमला जी कई वृद्ध लोगों से मानव को मिलवा रही थी। ये देख कर मानव बहुत आश्चर्य में था कि सोसाइटी में जितने लोगों से उनकी जान पैसा नहीं है उससे ज्यादा लोग कमला जी को जानते। करीब 1 घंटे बाद दोनों ऊपर आए। निया ने सही दी। कमला जी बोली, बहू आज आखिरी बार कह रही हूँ, इसके बाद मानव को दूध वाली साई मत देना, बस ग्रीन टी ही देना और बच्चों को भी जगाया करो ताकि समय पर वह भी तैयार हो जाए। वक्त की कदर करना सीखो वरना ये वक्त हाथ से निकल गया तो दोबारा नहीं आएगा। कमला जी अपनी साई खत्म करके फोन हाथ में ले ली और बालकनी में बैठकर व्हाट्सएप देखने लगी। मानव बोला, मुझे माँ की बहुत चिंता हो रही है। नेहा बोली, माँ की चिंता छोड़ो, अपनी चिंता करो, इस उम्र में भी मम्मी जी हम दोनों से ज़्यादा एक्टिव रहती है, मैं तो मम्मी जी के इस रूप की कायल हो गई। मानव बोला, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? नेहा बोली, अरे जिसकी सांप नहीं
विचारों की होगी। उस बहू को तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, मैं भी थक गई थी सास बहू वाले ताने और झगड़े सुन सुनकर। मुझे तो ये नई मम्मी जी बहुत अच्छी लगी है, मुझे इतना कह कर निया मुस्कुराने लगी कमला जी का ये बदला हुआ रूप देखकर। बेटे बहु आरस्य में थे, उन्हें इस बात की भी बहुत खुशी थी कि इस उम्र में भी कमला जी अपना ध्यान रख रही हैं। बदलते समय के साथ इंसान को खुद में भी बदलाव लाना चाहिए, परंतु वह बदलाव सकारात्मक हो तो फिर क्या कहना।